करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है पन्ना से। उत्तराखंड में बस हादसा मामला, मध्य प्रदेश के 26 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है। मृतकों के गृह ग्राम पहुंचे हैं पार्थिव शरीर, आज अंतिम संस्कार होगा। पन्ना से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में बस हादसा मामला और इसमें हादसे में मध्य प्रदेश के 26 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। मृतकों के गृह ग्राम उनके पार्थिव शरीर पहुंचे हैं, आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पन्ना से खबर, उत्तराखंड में बस हादसा मामला और इसमें मध्य प्रदेश की 26 यात्रियों की मौत हो गई। सभी के शव उनके गृह ग्राम पहुंच चुके हैं, आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मृतकों के शव गृह ग्राम पहुंच चुके हैं, पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम पहुंचे हैं। पन्ना से खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो 26 तीर्थयात्री थे मध्य प्रदेश के, उनकी उत्तराखंड में बस हादसे में मौत हो गई थी, आज अंतिम संस्कार होना है, कितने बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा? जी देखिए पूनम जी, जैसा कि रात को लगभग 11:30-12 बजे के समथिंग सभी सब आए हुए थे और यहाँ पे जो है कि तैयारी हम पूरी कर ली गई थी, लेकिन लेट सब आने की वजह से आज लगभग 10 बजे के समथिंग इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जैसा कि तैयारी तो सभी लगी हुई है, सभी अलग अलग ग्रामों के थे, जैसे कि ग्राम अपना एक पवई है, मोहंद्रा है और कुंवरपुर है, ऐसे हर जगह के अलग अलग, कोई 2 यात्री, कहीं 4 यात्री, जिसमें कि सभी पूरी तैयारी कर ली गई है और चल रहा है जी। और कौन कौन अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचेगा, इस बारे में कोई जानकारी? जी अभी तो ज्यादा जानकारी वैसे नहीं लगी मैडम, लेकिन मतलब अपने लोकल जो पवई विधायक हैं श्री प्रहलाद सिंह लोधी जी, वो आने वाले हैं, और अपने सांसद महोदय जैसे बीडी शर्मा जी हैं, वो भी आने वाले हैं अपने, और माननीय खनिज मंत्री कुंवर बृजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, वो भी आने वाले का सुन रहा है। अब देखते हैं मैडम कि कौन कौन मतलब समय पे पहुंच पाता है। जी चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अवधेश। तो 10 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल देर रात जो है मृतकों के शव उनके गृह ग्राम पहुंचे, आज अंतिम संस्कार होना है और अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड में बस हादसे में मध्य प्रदेश के 26 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के 26 यात्रियों की उत्तराखंड बस हादसे में मौत हो गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, उत्तराखंड में बस हादसे में 26 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी मध्य प्रदेश के, कल रात तो उनके शव पहुंचे हैं, आज अंतिम संस्कार किया जाना है, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, कौन कौन अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचेगा?
आज ये बहुत बड़े दुख की घड़ी है और मैं तो इसको त्रासदी कहूँगा कि इतनी बड़ी त्रासदी एक साथ हमारे मध्य प्रदेश पर, हमारे पन्ना जिले पर, कि 25 लोग एक साथ चले गए। मैं जब उनको देहरादून से लेकर के चल रहा था तो मेरा मन तो बहुत भरा हुआ था कि 25 पार्थिव शरीर लेकर के ऐसे परिवार, हमारे सामान्य परिवार जो तीर्थ यात्रा पर गए थे, लेकिन उन सब लोगों को व्यवस्थित तरीके से उन पार्थिव शरीरों को लेकर के आना, और इतने बड़े खाई के अंदर जो बहुत दुर्गम स्थान है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना। मैं देश के गृहमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी रात को वो जा करके वहाँ बैठ गए। निश्चित रूप से एक मैं मानता हूँ कि पवई विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बीच में ये बहुत ही बड़ा एक दुख का, और ख़ासकर परिवारों में बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है, और ये निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी हृदय विदारक घटना है जिसमें करीब 25 लोग यहाँ के आसपास के लोग गए हैं जो आपस में रिश्तेदार रहे हैं, और इसलिए इस तरह की घटना ना मैंने अपने जीवन काल में देखी है ना सुनी है, और इस तरह की घटना देखकर और सुनकर, क्योंकि हमने तो वहाँ पे ये सब चीज़ें देखी हैं, उनकी बॉडीज़ देखी हैं, सब लोग हम लोगों से पारिवारिक रूप से जुड़े रहे हैं क्योंकि 15 साल हमने यहाँ पे काम किया है, इसलिए सबसे मैं परिचित भी रहा हूँ, इसलिए अपने आप में भी बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ। तो 26 मध्य प्रदेश की तीर्थयात्रियों के पार्थिव देह कल खजुराहो एयरपोर्ट पहुंची, और जिसके बाद जो है विनी शर्मा भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सेना के विमान से पार्थिव शरीर कल खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद पार्थिव शरीरों को उनके गृह ग्राम पहुंचाया गया और आज अंतिम संस्कार किया जाना है। 26 तीर्थयात्रियों के जो उत्तराखंड बस हादसे में मौत हो गई थी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, कल रात जो है पार्थिव शरीर पहुंचे हैं तीर्थयात्रियों के, जो 26 तीर्थयात्री उत्तराखंड बस हादसे में मौत के काल के गाल में समा गए हैं, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, क्या कुछ तैयारियां अंतिम संस्कार की? या मनोज जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कल पार्थिव शरीर देहरादून से खजुराहो आए हैं, कुछ कारणवश वो 3 बजे तक आना था, कुछ कारणों से लेट हो गए, तो वो लेट शाम को आए हैं, जिस कारण से ये हिंदू संप्रदाय में 5 बजे के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है, इसकी वजह से आज अंतिम संस्कार मंगलवार को सुबह 9 से 9:30 के बीच होने की संभावना बताई जा रही है। गर्मी में ज्यादा देर तक लेट भी नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि परसों का ये हादसा हुआ है जिसकी वजह से ये 9:30 तक होना है, और रात में बीडी शर्मा और माननीय केबिनेट मंत्री विजय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे गृह ग्राम पर, लोगों के यहाँ पार्थिव शरीर उनको पहुंचाए। जी सचिन, और कौन कौन अंतिम संस्कार में शामिल हो सकता है, इस बारे में कोई जानकारी? अंतिम संस्कार में संभवतः कैबिनेट मंत्री और बीडी शर्मा जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, जो कि अभी भी यहाँ पर हैं, तो शायद संभवतः शामिल होने की बता सकते हैं, और प्रशासन तो रहेगा ही। जी शुक्रिया सचिन, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पन्ना से खबर आपको बता रहे थे, जहाँ पर उत्तराखंड में बस हादसे में तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और उनकी पार्थिव देह उनके गृह ग्राम पहुंची है कल रात को, जिसके बाद आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं, 10 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में क्षेत्रीय विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं।
पन्ना से खबर आपको बता रहे थे, उत्तराखंड बस हादसे में 26 तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के काल के गाल में समा गए थे और आज उनका अंतिम संस्कार होना है।